पूरी वाली। हेलो गाइस, हम तैयार हो रहे हैं तिलक के लिए। एक ये अभी अभी तक का इनका शक्ल देखो, इनका अभी तैयार नहीं हुई है। भाई मुझे कहीं जाना होता ना, मेरे बाल नहीं बनते। जैसा हाँ मेरे को चाहिए होता है वैसे नहीं बनते। और वैसे पता है मैं संडे को वॉश करती हूँ ना, बहुत अच्छे बन जाते हैं। ओ, तो आज करना चाहिए था ना, वॉश किया था पर फिर भी नहीं बन रहा। एक ये तैयार हो गई है हमारी छुटकी छुट्टी हो एक ये भी तैयार हो गई छछुंदरी। एक ये अभी तैयार ही नहीं हुई है, इनका बाल ही नहीं बन रहा है। बनाओ जल्दी से बाल। आने वाला रखा काम दिन में निकालो। क्या रोके बैठी हुई हो गई तैयार तैयार होके बैठी हुई है, हम लोगों का इंतजार कर रही है। आजी नाती हमेशा हमें तो पता नहीं रहा आजी नाती से मुन्ने रे। अब देखा बंद करो मुन्ने, अब देखा बंद करो शीशा, अब देखा बंद कर दियो, अब ना देखो शीशा, बस करो। हाँ ये सब शीशा में ना छोड़ी है। तो अब तो आई है लाइट, तो लाइट आई है तो मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हूँ, चार्जिंग पे लगा दूँ इसका नहीं। तो फिर अभी आई है लाइट, तो हम ऐसे लग रहा है कि हम एकदम भिखारी भूखों के जैसे लिए लाइट के लिए किकले। और ये हमारी माता जी की साड़ी है, कैसी लग रही है किकले? मंगनी की साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, जो मांगी हुई साड़ी रहती, मांगे हुए सामान में बहुत अच्छी लगती, इसलिए मैं मांगी हुई चीजें बड़ी सुंदर लग रही हूँ। बफर खाए, लेकिन बफर में जब सब खत्म हो जाए तब नंदरानी हमारे चलिए खाली पतरी चाटे खाते रहे। नहीं ना उनके सैंडल समके ना उनके बाल समके, उनके पूरा सही चीज ना समके। हाँ तो चूहा को आते ना कुछ खाई चाहिए ना, जो बंद रहा था घर। तो हम लोग जाएंगे पतरी चाटे खाते, आए मुन्नी? हाँ और बड़े बड़े गर्व से कहती हूँ हाँ पतरी चाटे जाओ। लेकिन चोटी अच्छी लग रही है लगाया जाए। हाँ। पर ये से तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, इतने सारे लोग जानती हैं ये सब भी खाएंगे। ये मेरी भाभीया है और ये मेरी चाची। ये भाभी है, नहीं ये मेरी बीवी है और ये मेरी भाभी है। ये देवरानी वाले चाचा की, हाँ जो टोपी वाले ना उनकी वाइफ है, पत्नी है। ये चाची हमारी, जय दीदी। जय के ऊपर सबका निगाह है, तेरे के बिहारू है ये टोपी वाले का। ये हमारी छोटी चाची है, ये चाची अम्मा की देवरानी छोटी चाची। उसके बाद ये है हमारी बड़ी चाची। अब उनका परिणाम परिणाम में देखेंगे। फेमस हमारी छोटी चाची दीदी और ये उसके बाद ये वाली ये चम्मच चलो है। उसके बाद मैं हूँ, नहीं ये अभी हम भी है। उसके बाद ये वाली दीदी हमारी चलो आप बताएगा। ऐसा हमारा शुद्ध होती हमारे उनका निशा का ब्याह था, सभी जानते हैं। अम्मा हमारे दिल परी और माँ हमको पहले कहा कि हमारे बिटिया को खान हुई हम जब तालक चाबी बाहर नहीं पा रहे बोले और ये हमारे यहाँ तिलक की तैयारी हो गई, दूल्हा जी तैयार हो रहे हैं क्योंकि काजल हमारे यहाँ बुआ लगाती है, तो वेदी पे बैठाने के पहले बुआ जी काजल लगा रही है। आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे एंड थैंक यू। हमारे यहाँ बेदी पे जो लेके जाते हैं वो घर की बड़ी या छोटी लेके जाती है, तो ये बड़ी है तो ये बेदी पे लेके जाएंगे, जो भी पूजा पाठ रहता है वो हमारे यहाँ की बड़ी करते हैं।
ये हमारे यहाँ का बाहर का डेकोरेशन है, जहाँ पे तिलक चढ़ेगी उसका डेकोरेशन है, मतलब तिलकहरे आ चुके हैं और सारा डेकोरेशन बाहर ही खाने पीने का था। जो लेडीज लोग का कार्यक्रम रहता है खाने पीने का, वो अंदर रहता है। तो हमारे यहाँ का ऐसा ही कल्चर है कुछ, और बाहर ही वेदी बनी है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत जो भी है वो आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोग इन्जॉय करें। और सबके यहाँ का अलग अलग होता है तिलक चढ़ाने का, और हमारे यहाँ का यही कल्चर है। तो आप ये वेदी पे लड़का बैठ चुका है, यहाँ पे पंडित उसके पहले जो भी कुछ रस्म रिवाज होते हैं पूजा पाठ होता है, बाहर औरतें बैठ के गाना गा रही हैं। ये हमारे यहाँ लड़की के यहाँ मतलब अपनी खुशी से गिफ्ट देते हैं, सब कुछ ये नहीं कि हाँ मतलब इतना चाहिए, बट गिफ्ट दिया जाता है हमारे यहाँ। तो ये तिलक पे चढ़ता है जो लड़की के हाथ में लेके संकल्प होता है। ये सारे तिलकहरू आ चुके हैं, तो वेदी पे जा रही लड़की की तिलक चढ़ने, उसके पहले जो पूजा होता है वो हुआ है। Like